नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। जन विश्वास व विकास का अतुल्य उदाहरण है मोदी सरकार, कहा भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने। प्रदेश सरकार नहीं कर रही पंचायतों का विकास, केंद्र की सभी योजनाओं को रोकने का कर रही है प्रयास, आरोप लगाया हमीरपुर जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने। गोहर उपमंडल त्यांच पंचायत 3 गांव आए डायरिया की चपेट में, सिविल अस्पताल की टीम ने रोगियों का किया उपचार। और बाबा भूतनाथ मंदिर में हुआ भस्म आरती का आयोजन, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर की तर्ज पर की गई आरती। सुबह 4 बजे बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे छोटी काशी के भक्त। मात्र 2.5 वर्ष के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने आम जनमानस में विश्वास व विकास का अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ है। ये बात भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर के धवाल चुनौता पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। धर्मपुर के धवाल चुनौता पंचायत के अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल के विचार मोदी की नीतियों का आधार विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य प्रवक्ता शरीक हुए भाजपा सह प्रवक्ता एवं भाजीमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पंडित दीनदयाल के विचारों पर आधार बनाकर मात्र 2.5 वर्ष के कार्यकाल में देश के उन करोड़ों जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए नीतियां बनाई, जिनकी स्वतंत्रता के उपरांत अधिकतर समय अनदेखी हुई, जिसके कारण यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो विश्वास आम जनमानस का सरकारों से उग गया था, अब वो विश्वास फिर से जगा है एवं विकास की आशा पुनर्जीवित हुई है। अत्री ने कहा कि बात चाहे 2.5 वर्ष के कार्यकाल से शुरू की गई 150 कल्याणकारी नीतियों की हो या फिर अभी हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट की हो, देश के मेहनती एवं जरूरतमंद वर्ग को प्राथमिकता स्पष्ट झलकती है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2.5 वर्षीय कार्यकाल में विश्वास एवं विकास का एक अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिस तरह श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को आधार मानकर अपनी नीतियों का निर्माण किया और जिस तरह उन नीतियों से इस देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों के उत्थान एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, उससे पूरे राष्ट्र में एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है। पूरे देश आज एक आशा भरी नज़र से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है कि यही वो नेतृत्व है जिसकी अगुवाई में भारत विश्व गुरु बनेगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की सरकार मौजूद है, जो न केवल अपने चुनावी वायदों को भूल रही है, बल्कि सत्ता के 4 वर्षों के उपरांत इस प्रदेश को भ्रमित करने का एक असफल प्रयास कर रही है। इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 4 वर्ष पहले कहा था कि हम इस प्रदेश के लाखों युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, परंतु 4 वर्षों के उपरांत, 4 साल सत्ता सुख भोगने के उपरांत यदि प्रदेश सरकार इस वायदे से मुकर जाए तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का लक्ष्य केवल अपने चुनिंदा लोगों का उत्थान है, ना कि जन उत्थान। इसका खामियाजा प्रदेश कांग्रेस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा और इस प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जिसमें विकास की गंगा बहेगी। इससे पहले गलूच चुनौता पंचायत के धवाल गांव में पहुंचने पर सैकड़ों लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से नरेंद्र अत्री का स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पूर्व बीडीसी सदस्य सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। हिमाचल प्रदेश विकास को लेकर नए आयाम छुए, इसको लेकर बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, लेकिन प्रदेश सरकार विकास को तरजीह नहीं देना चाहती। यह बात जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि किसानों के लिए कृषि संबंधित योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन के लिए अलग से बजट का प्रावधान, मनरेगा के लिए बजट का प्रावधान जैसे कई महत्वपूर्ण विकास के कार्य प्रदेश की पंचायतों के लिए केंद्र सरकार ने प्रदान किए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से इन सब योजनाओं के पैसे या तो संबंधित विभाग के पास पड़े हुए हैं या फिर वापस होने की कगार पर है, लेकिन प्रदेश सरकार विकास को तरजीह नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब धूमल सरकार थी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार धन उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी करने में राजनीतिक कारणों से असमर्थ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश
को उचित राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी करने में बाधा आ रही है। उसी के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो इस पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब धूमल सरकार थी तो उस समय पंचायती राज को विशेष पावर्स दी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने सारी शक्तियां छीन ली है। और हम अगर इसमें सभी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि इस सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, क्योंकि शक्तियां तो ये कुछ नहीं दे रही, सिर्फ ये शक्तियां छीनने का काम कर रही हैं। और 2017 में हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं इसलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि आदरणीय धूमल जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 13वें वित्त आयोग के तहत उन्होंने 50% जिला परिषद के माध्यम से ये पैसा खर्च होता था, 30% ब्लॉक समितियों के माध्यम से खर्च होता था और 20% पंचायतों के माध्यम से खर्च होता था। उन्होंने सशक्त करने की बात की तो इसीलिए पंचायत के सब चुने हुए प्रतिनिधि PRI हमारे जितने भी हैं वो एक साथ भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में वोट करेंगे और आदेश धूमल जी को इस प्रदेश का तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवदीप पत्ता की रिपोर्ट। अब तक पंजाब पुलिस के रूल्स को लागू कर रही हिमाचल पुलिस अब अपने पुलिस रूल्स के हिसाब से चलेगी। 3 अफसरों की एक उच्च स्तरीय कमेटी इन रूल्स के चैप्टर तैयार करने में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक रूल्स तैयार होने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। दरअसल अभी तक पंजाब पुलिस के रूल्स के आधार पर ही हिमाचल प्रदेश में वेतन से लेकर हिमाचल पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली चल रही थी, क्योंकि हिमाचल में पंजाब के 1934 के बने पुलिस रूल्स लागू हैं और प्रदेश में 2007 में नया पुलिस एक्ट आ चुका है। इसके अलावा वर्तमान पुलिसिंग में कई तरह के बदलाव भी हो चुके हैं। ऐसे में हिमाचल के लिए अपने पुलिस रूल्स बनाने जरूरी हो गए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो वर्तमान में जो पुलिस रूल्स बनाए जा रहे हैं उनमें पंजाब पुलिस रूल्स में हिमाचल में हुए संशोधनों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अनुशासन संबंधी नियमों को भी शामिल किया जाएगा। नाम न लिखने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि कोशिश ये की जा रही है कि इन रूल्स को इस तरह बनाया जाए ताकि आने वाले समय में अगर सरकार कोई घोषणा करे तो उसे लागू करने के लिए रूल्स में संशोधन की जरूरत न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फीट ऑफ फायर डांस एकेडमी सुंदरनगर के बैनर तले राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज सुंदरनगर के सभागार में सल्यूटिंग द रियल हीरो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने किया। इस कार्यक्रम में देश की रक्षा करने के लिए शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज में उत्कृष्ट कार्यक्रम करने वाली प्रसिद्ध हस्तियों को भी नवाजा गया, जिनके द्वारा समाज को एक नई दिशा मिली है और आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। कार्यक्रम का आगाज साकार संस्था के दिव्यांग बच्चों की श्री गणेश वंदना की प्रस्तुति से किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम DC मंडी को भी अकादमी की ओर से मंडी जिला के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों की वीडियो के जरिए एक क्लिपिंग दिखाई गई, जिसमें मंडी जिला में DC मंडी के नेतृत्व में कई कार्यों के लिए प्रदेश व देश में उन्हें पुरस्कृत किया गया की एक झलक भी दिखाई गई। इसके अलावा शहीदों के परिजनों की भी दृश्य दिखाए गए। DC मंडी संदीप कदम का कहना है कि शहीदों को नमन करने के लिए इस अकादमी की ओर से किए गए प्रयास सराहनीय है। यह अकादमी डांस के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के साथ ही सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़कर कार्य कर रही है, जो कि काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि हम अलग अलग तरीके से अपना देश के प्रति जो प्यार होता है, जो एक भावना होती है, उसको एक्सप्रेस करते हैं और उसमें से एक बहुत ही सशक्त माध्यम जो है वो डांस भी है। और इस डांस के कई सारे फॉर्मेट्स आज के जमाने में, आज के समय में प्रदर्शित किए जाते हैं। और फीट ऑफ फायर एक सुंदरनगर जैसी जगह पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो एक मॉडर्न डांस को ना सिर्फ सिखाते हैं तो उसको एक अलग लेवल पे ले जा चुके हैं। और आज उन्होंने जो यह कार्यक्रम आयोजित किया इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम यह कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा और इनको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वे इवेंट करवा रहे हैं तो उसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारे मार्टिन्स फैमिली है, आर्मी की फैमिली है, जो आर्मी हमारे शहीद हो गए हैं उनकी फैमिली को बुला के हम सम्मानित कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि लोग हमारे आर्मी से प्यार करें, क्योंकि अगर वो है हम तभी हैं। और दूसरा जो हमारे सोशल वर्कर है, एक लोकल जो सोशल वर्कर है, जो किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई एनजीओ बना के किसी की हेल्प कर रहे हैं पुअर लोगों की, तो वो भी एक हमारे हीरो में ही आते हैं क्योंकि वो भी एक वर्क कर रहे हैं, तो हम उनको सम्मानित कर रहे हैं।
तो कुछ एक हमें कारगिल शहीद के आर्मी के एड्रेस मिले थे काफ़ी दूर दूर, हम वहाँ जाके आए हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है हमने पूरी, तो अभी वो हम प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने और दिखाएंगे कि उनके क्या विचार है आगे। थैंक यू। इस समारोह में डीएसपी सुंदरनगर संजीव भाटिया एवं कॉलेज प्रिंसिपल इंजीनियर आर के शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश। अगर इंसान में इच्छा शक्ति हो तो वह मुश्किलों के बावजूद भी अपना मुकाम हासिल कर सकता है। बिना इच्छा शक्ति व मेहनत के इंसान संपूर्ण होकर भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इस बात को सत्य साबित कर दिखाया है गौरव शर्मा ने, जो अपनी आंखों की रोशनी के बिना बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। गौरव शर्मा एक ब्लाइंड टीचर है, लेकिन फिर भी वे अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार गौरव शर्मा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बॉय स्कूल मंडी, जहां पर अन्य अध्यापकों की तरह गौरव शर्मा भी एक अध्यापक हैं, लेकिन फर्क है तो सिर्फ इतना कि गौरव एक ब्लाइंड टीचर हैं। अनमल, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चिल्ड्रन लिव्ड इन अ नाम का भी नहीं है, लेकिन पहला अधिकार हमारा समानता का अधिकार। कौन सा? गौरव पिछले 1.5 साल से बॉय स्कूल मंडी में एक अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल व बीएड करने के उपरांत गौरव ने सेट और टेट का टेस्ट उत्तीर्ण किया। गौरव ने बताया कि 2014 में गर्ल्स स्कूल सुंदरनगर में उनकी नियुक्ति हुई, जिसके बाद बॉय स्कूल मंडी में उनका तबादला हुआ। उन्होंने बताया कि उनके परिजनों और अध्यापकों की प्रेरणा से ही वे इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। उन्होंने बताया कि वह ब्रेल लिपि के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। पहला अधिकार हमारा समानता का अधिकार। कौन सा? जिसमें विद्यार्थियों का भी उन्हें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। मेरी स्कूलिंग जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून से हुई। उसके बाद की मेरी सारी स्टडी जो है वो ये एक स्पेशल स्कूल था, और उसके बाद की जो मेरी बाकी की स्टडी है वो मेरी नॉर्मल इन्वायरमेंट में हुई। मेरी ग्रेजुएशन, देन मास्टर और फिर एमफिल और बीएड जो है ये मेरी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई। और मेरा सेट और टेट जो कि टीचिंग के लिए एक टेस्ट होता है, टीचिंग एबिलिटी टेस्ट, वो क्लियर है। और मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट गर्ल्स स्कूल सुंदरनगर में 2014 में हुई थी, और उसके बाद मैं अब यहाँ पर आया हूँ बॉयज़ स्कूल मंडी। देखिए, किसी भी सिचुएशन में अगर जब आप चाहते हैं तो सबसे पहला चैलेंज आपके लिए होता है नॉलेज गेन करना। एक नॉर्मल पर्सन जो है वो नॉर्मली उसके पास बुक्सेज होती हैं, नॉर्मल जो बुक्सेज आप देखते हैं वो होती हैं, लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड जिसके विजन नहीं है उसके लिए ब्रेल एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो अपना नॉलेज गेन कर सकता है। यदि आपको ब्रेल आती है तो आप हर टाइप की बुक्सेज को, हर टाइप के नॉवेल्स, हर टाइप का फिक्शन जो भी आप चाहें वो आप पढ़ सकते हैं, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो स्टार्टिंग में हमें भी जब हम स्पेशल स्कूल में गए तो वहाँ पे ब्रेल सिखाई गई, और आज ब्रेल के माध्यम से मैं वही बुक जो नॉर्मली एक नॉर्मल टीचर जिसे बोलते हैं वो पढ़ाता है, वही बुक ब्रेल में मैं भी मेरे पास होती है और वो डिटो सेम होती है। तो और लुई ब्रेल जिनको कि मैं हमेशा याद रखता हूँ कि अगर वो ना होते तो आज शायद मैं यहाँ पर जहाँ पर हूँ यहाँ ना होता। वही स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने गौरव शर्मा के कार्य की सराहना करते हुए बताया कि वे अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गौरव शर्मा एक मेहनतकश अध्यापक है जो कि अपने अंधेपन को दरकिनार करते हुए अन्य अध्यापकों की तरह हर कार्य को अंजाम देते हैं। हमारे विद्यालय के जो टीचर टी आर्ट्स श्री गौरव जी हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। एक साल से ऊपर का समय उनको स्कूल में आए हुए हो गया और काफ़ी अच्छी तरह काफ़ी हार्ड वर्क करके वो बच्चों को पढ़ाई में रुचि लेते हुए इंटरेस्ट बनाते हुए उन बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और बच्चे भी उनके कार्य से खुश हैं और ये समय के पंक्चुअल हैं। थोड़ा जरूर मुश्किल होती है क्लास में जाने के लिए, जिसके लिए बच्चों की हेल्प ली जाती है और बच्चे टाइमली इनको पीरियड स्टार्ट होते ही स्टाफ रूम से अपने साथ ले जाते हैं और कंसर्न रूम में कंसर्न जो टीचिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर इनको पहुँचाते हैं। तो कुछ ड्रॉबैक जरूर है कि आंखों में इनकी दिक्कत है, देखने की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ इनके ऊपर कहीं भी हावी नहीं है और ये उस चीज़ को दरकिनार करते हुए जितना इनके पास टैलेंट है उसका भरपूर लाभ जो है छात्रों को इनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और इनकी रुचि जो है वो म्यूज़िक में भी है, म्यूज़िक के ये MA इन्होंने की हुई है। तो जब भी स्कूल में कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर इनकी सेवाएँ भी ली जाती हैं। गौरव शर्मा ने वो कर दिखाया है जो कि कई मर्तबा एक संपूर्ण व्यक्ति भी करने में नाकामयाब हो जाता है। वह अन्य लोगों के लिए एक मिसाल है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो इंसान अपना मुकाम हासिल कर सफलता प्राप्त कर सकता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान, यहां आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहां ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में अभी से ही शिवरात्रि महोत्सव की धूम देखी जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह 4 बजे बाबा भूतनाथ मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि भस्म आरती मुख्य रूप से उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में ही की जाती है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, लेकिन मौत भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है और वहां पर होने वाली भस्म आरती भी, लेकिन अब उज्जैन में होने वाली भस्म आरती का छोटी काशी मंडी में भी आनंद उठाया जा सकता है। बीते वर्ष से मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में भस्म आरती का क्रम शुरू हुआ है। शिवरात्रि के नजदीक वर्ष में एक बार होने वाली इस भस्म आरती को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। यह आरती सोमवार सुबह 5 बजे मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में की गई। मंदिर में स्थापित पिंडी पर मक्खन का लेप चढ़ाया गया और सोमवार को इस लेप पर महाकाल की आकृति बनाई गई थी।
मंदिर के पुजारी महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने पूरी विधि विधान से भस्म आरती की, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। भस्म आरती के दौरान मंदिर का अलौकिक नजारा देखते ही बन रहा था। महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के बाद बाबा भूतनाथ मंदिर मंडी में बीते वर्ष से भस्म आरती की प्रथा शुरू की गई है और इसे वर्ष में एक बार किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस आरती में भाग लेने से इंसान के भीतर बसा अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और साथ ही आरती के माध्यम से जगत के लिए मंगल कामना की जाती है। महंत ने बताया कि एक दिन पूरा संसार राख में ही मिल जाना है, इसलिए राख को सबसे पवित्र माना गया है, जिसके चलते इससे भगवान शिव के महाकाल रूप की आरती उतारी जाती है। तो भस्मी आरती इसलिए चढ़ाते हैं बाबा भूतनाथ जी को और महाकालेश्वर जी को, इसलिए क्योंकि ये पूरा संसार ही एक दिन भस्म में यानी राख में विलीन हो जाता है। तो चूंकि शिव और शव अभी जब तक आप इसमें परमात्मा का वास होता है, तब तक हम ये शिव होता है और जिस दिन परमात्मा का वास निकलता है उस दिन ये शरीर शव हो जाता है। इसीलिए आज नहीं तो कल पूरा प्रलय काल के समय भी ये पूरा संसार पूरी पृथ्वी और आपका ये राख में समाहित हो जाती है। इसलिए भगवान शिव इनको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अकाल मृत्यु से जो रक्षा करते हैं, इसलिए साल भर में एक बार इनको भभूति चढ़ाने से और दर्शन पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कालों के भी काल हैं। इसलिए आज भूतनाथ जी को भभूति चढ़ा के प्रार्थना किया गया कि साल भर तक मंडी शहर की जनता को सुख शांति प्रदान करे और इनको राज्य खुशी रखे। ये आरती उज्जैन में होती है और उज्जैन के सिवा आरती भूतनाथ मंदिर मंडी में ही होती है और कहीं नहीं होती है। वहीं छोटी काशी मंडी के लोगों में भी इस बात को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है कि उज्जैन के बाद उनके शहर में भस्म आरती की प्रथा शुरू हुई है। बारिश होने के बाद भी लोग बड़ी संख्या में इस आरती में भाग लेने पहुंचे, जो इस बात को दर्शाता है कि लोगों की भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था है। हाँ, भस्म आरती जो है पिछले साल से महंत जी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। इस बार भी उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया और इस भस्म आरती मंडी शहर में पहले कभी नहीं थी, अब पिछले साल से कंटिन्यू हो रही है। सारी मंडी नगरी पहुंच रही है, सवेरे सवेरे पहुंच गए। आज भी देखो इतनी बारिश में फिर भी लोग कितने पहुंचे हैं। इस भस्म आरती का मंडी शहर के लोगों पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, मतलब लोगों के मन में शांति पैदा हो रही है और लोग भाईचारा मंदिर में आके सबका बढ़ रहा है। आरती और रस्म बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ मतलब एंडलेस। पहले होती थी क्या, पहली बार आप? हमने तो पहली बार देखी, बाकी हमें पता नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज्यादा रस्म है। बता दें कि मंडी में शिवरात्रि महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर एक महीना पहले यानी तारा रात्रि से ही शिवरात्रि का आगाज हो जाता है। आने वाले दिनों में बाबा भूतनाथ के मंदिर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके माध्यम से भक्तों को भोले बाबा के विभिन्न रूपों के दर्शन भी करवाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए के चैनल। जन विश्वास व विकास का अतुल्य उदाहरण है मोदी सरकार, कहा भाजपा में राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने। प्रदेश सरकार नहीं कर रही पंचायतों का विकास, केंद्र की सभी योजनाओं को रोकने का कर रही है प्रयास, आरोप लगाया हमीरपुर जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने। गोहर उपमंडल के आठ पंचायत तीन गांव आए डायरिया की चपेट में, सिविल अस्पताल की टीम ने रोगियों का किया उपचार। और बाबा भूतनाथ मंदिर में हुआ भस्म आरती का आयोजन, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर की तर्ज पर की गई आरती। सुबह 4 बजे बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे छोटी काशी के भक्त।